हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सम नंबर 4 आए हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सम नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इस 4 नंबर में है 4 इसमें 4 है, 2.1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 5। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करने का है, 2.3 सॉल्व करने का है, 2.1/3 सॉल्व करने का है और फिर आगे बढ़ने का है। तो ये कैसे करेंगे, तो 3 × 2 = 6 प्लस 1 = 7/3 आ जाएगा। तो हम पहले 7/3 डिवाइड बाय 3/5 लिखेंगे, फिर आगे क्या करने का है कि 7/3 डिवाइड बाय 3/5 है। तो आपको मालूम है कि जब भी डिवाइड करते हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट रूल क्या है, जो नीचे का सेकंड टर्म है उसका जो नीचे का एक्सचेंज कर देने का है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे ले लेने का है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5 इक्वल 7/3 मल्टीप्लाई 5/3। 5 जो ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। था यहाँ पे कुछ कट नहीं होने वाला है। तो 7 × 5 = 7×5 = 35, 3×3 = 9। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कट नहीं हुआ और 35/9 है। तो हमने क्या किया है, 9 स्मॉल है ना, तो हमें क्या करने का है, 35 को 9 से डिवाइड करने का है। तो क्या आएगा, 3.8/9, 3×9 = 27 प्लस 8 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 35/9। ठीक है, ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। अब सम नंबर है 5। 5 में क्या है कि 3.1/2 डिवाइड बाय 8/3। इसमें भी पहले 3.1/2 है, तो ये पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आगे सम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2×3 = 6 प्लस 1, तो हाँ, तो क्या आएगा, 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3। ठीक है, तो आगे मैंने बल जैसे रूल है, तो जो सेकंड नंबर की टर्म है वो एक्सचेंज हो जाएगा दोनों नंबर। तो यहाँ पे करेंगे 7/2 × 3/8, ये हो गया एक्सचेंज हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ कट होने वाला है तो नहीं, दोनों को साथ में पहले लिख देने का है। जैसे मैंने लिख के दिखाया है, 7/3 × 2/8, तो 7×3 क्या होता है, 21, तो 21 × 2 = 16, तो 21/16। तो यहाँ पे वही रूल लागू पड़ेगा कि 16 है वो क्या है, 21 से कम है, तो 21 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, तो आएगा 1.5/16, 16×1 = 16 प्लस 5, तो 21/16 हो गया। अब करेंगे सम नंबर 6, 2/5 डिवाइडेड बाय 1.1/2। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म ओके है, लेकिन सेकंड को हमें सॉल्व करने की है। तो हम सबसे पहले आंसर में लिखेंगे 2/5 डिवाइडेड बाय, फिर सेकंड टर्म में उसको सॉल्व करेंगे, 2×1 = 2 प्लस 3, तो 3/2, तो क्या आएगा, 2/5 डिवाइडेड बाय 3/2। अब जैसे मैंने आगे आपको बताया है कि एक्सचेंज होती है सेकंड टर्म, तो क्या आएगा, 2/5 × 2/3,
नीचे जो टू है ऊपर आ गया और नीचे का ऊपर का नीचे आ गया, तो टू टू सा फोर एंड फाइव थ्री सा फिफ्टीन। यहाँ पे कुछ भी नहीं करने का है, कट भी नहीं होता है, और फिफ्टीन है फोर से ज़्यादा है तो वो डिवाइड भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करने का है, आंसर ऐसे ही रख देने का है। ठीक है, अब आए सम नंबर सिक्स। सिक्स में क्या है, सबसे पहले 3.1/5 डिवाइडेड बाय 1.2/3। देखो दोनों में, दोनों रकम को हमें पहले, दोनों टर्म को हमें सॉल्व करने का है। सबसे पहले है 3.1/5, तो 5 3 15 प्लस 1 = 16/5 आ जाएगा। और दूसरी को हम सॉल्व करेंगे तो है 1.2/3, तो 3 1 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी दोनों, 16/5 डिवाइडेड बाय 5/3 हो गया। तो फिर जैसे मैंने आपको बोला है ना, ऐसे टर्म को एक्सचेंज कर देंगे, 16/5 मल्टीप्लाई 3/5, 3 ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होता तो डायरेक्ट क्या करने का है, साथ में लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई कर देने का है। 16 × 3 = 5 × 5 जैसे मैंने लिख के दिखाया ना, ऐसे स्टेप वाइज लिखने का है क्लियरली, एक इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करने का है। तो 16 × 3 = 5 × 5 साथ में लिखने का है, फिर मल्टीप्लाई करके दिखाने का है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 × 3 = 48, 5 5 = 25। लेकिन यहाँ कुछ भी कट भी नहीं होने वाला है, और हाँ डिवाइड होगा क्योंकि 25 48 से कम है। तो हम 48 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो क्या आएगा, 25 टू सा तो 50 हो जाता है, तो हम उसे डिवाइड करेंगे तो 25 1 25, वो नीचे रिमाइंड क्या रहा 23, तो 1.23/25। तो ये हो गया सम नंबर सेवन। अब हम आए एट, सम नंबर एट में क्या है, 2.1/5 डिवाइडेड बाय 1.1/5। इसमें भी दोनों टर्म पहले सॉल्व करने की, फिर आगे हम सम कर सकेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 2.1/5, तो 5 2 10 प्लस 1 तो 11/5 आएगा। और सेकंड का है 1.1/5, तो 5 1 5 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, तो 6/5। अब दोनों टर्म को हम पहले बराबर रखेंगे, मैंने बोला है सेकंड टर्म है वो एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम करेंगे 11/5 मल्टीप्लाई 6/5 है ना, इसके लिए क्या करने का, 5/6 हो गया एक्सचेंज। फिर हमें देखने का है कि कट होता है तो होता है, दोनों ऊपर नीचे 5/5 है तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा, तो 5/5 कट हो गया, तो आंसर आएगा 5/5, आंसर आएगा 11/6, क्योंकि दोनों 5 कट हो गए। बाकी रहेगा 11 1 11, 6 1 6, तो 11/6, तो आंसर आया 1.5/6। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 8 फिनिश। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इसका फर्स्ट सम है, ओनली फर्स्ट सम ही करके दिखाया है। फर्स्ट सम है विच इज़ द ग्रेटर, कौन इसमें ग्रेटर है, 0.5 और 0.05। तो यहाँ पे क्या है कि 0.5 का मतलब है के 100 का 50 पार्ट, और 0.05 का मतलब है 100 का 5 पार्ट। तो नेचुरली 100 का जो 50 पार्ट है वो ग्रेटर है, और 100 का 5 पार्ट है वो स्मॉलर है। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने करके दिखाया है वो
करने का है और निशानी कैसे करने की है। जो स्मॉलर है उसके तरफ एरो आना चाहिए, तो यहाँ पे स्मॉलर कौन है 0.05, तो यहाँ पे एरो करने का है और दिखाने का है कि 0.5 ग्रेटर है। तो ये आपको अपनी होमवर्क की नोट में, मैथ की नोट में करने का है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। फिर करेंगे आगे। थैंक यू।